हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोनोग्राफ स्टार्ट करने वाले हैं। मोनोग्राफ बहुत मुश्किल होता है याद करना, मोनोग्राफ को सब शुरू होने वाली अच्छी वाली पढ़ाई। मोनोग्राफ को याद रखने के लिए सबसे बेस्ट है आप लिख लिख के याद करो, नहीं तो ऐसे याद नहीं होगा, एग्ज़ाम में आप भूल जाएंगे। कभी कभी मोनोग्राफ का पूरा क्वेश्चन आ जाता है 5-6 नंबर का कि पूरा मोनोग्राफ बताएं, या उनमें से कोई केमिकल प्रॉपर्टी दे देंगे या फिजिकल प्रॉपर्टी दे देंगे या स्टोरेज पूछ लेंगे, ऐसे भी आता है। इसीलिए हमें कुछ पता नहीं होता कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए हमें हर चीज़ याद रखना चाहिए मोनोग्राफ का, किसी भी मोनोग्राफ का। आज हम बोरिक एसिड का मोनोग्राफ करेंगे, जो कि सबसे फर्स्ट मोनोग्राफ है बोरिक एसिड। सो स्टार्ट करते हैं। बोरिक एसिड टाइटल में आएगा, बोरिक एसिड BORIC, बोरिक एसिड। जब भी हम टाइटल लिखते हैं हमेशा उसको कैपिटल लेटर्स में लिखिए। टाइटल को कैपिटल लेटर्स में लिखिए, हर एक का कैपिटल लेटर होना चाहिए, हर एक शब्द का, हर एक वर्ड का कैपिटल लेटर में ही लिखे। नेक्स्ट बोरिक एसिड हमारा टाइटल हो गया। नाउ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H3BO3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद आएगा मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट होता है 61.83। और ये मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो प्योर कंपाउंड का होता है, प्योर कंपाउंड। ये कोई टेस्ट फॉर प्योरिटी नहीं बताता है, बस प्योर कंपाउंड का ये मॉलिक्यूलर वेट होता है। नाउ इसके आते हैं नेचुरल फॉर्म। नेचर में बोरिक एसिड सेसोलाइट मिनरल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सेसोलाइट मिनरल की फॉर्म में हमें मिलता है, नेचुरल फॉर्म हो गया। अब इसका आता है लिमिट टेस्ट। डी फॉर्म में नहीं है बोरिक एसिड का। लिमिट टेस्ट किन्हीं सब्सटेंस का है जो कि मेन है बहुत ज़्यादा। लिमिट टेस्ट से हम प्योरिटी का पता लगाते हैं। लिमिट टेस्ट जैसे कि आयरन है, आर्सेनिक है, लेड है, मेटल आयंस है, उनका है, पर बोरिक एसिड का नहीं है। पर भी बुक के अंदर लिखा रहता है तो हम ये पढ़ लेते हैं कि बोरिक लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट का दो आती है इसमें, एक तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब है कि बोरिक एसिड में 99.5% बोरिक एसिड H3BO3 तो प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। अपर लिमिट का मतलब 100.5% H3BO3 से ऊपर अगर बोरिक एसिड प्रेजेंट है तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे, नहीं लेंगे अपनी प्रिपरेशन में। लोअर लिमिट अगर 99.5% से कम है, अगर 99.1% है तो भी हम रिजेक्ट कर देंगे, 70.1% है तो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देंगे। तो लोअर लिमिट की इस बोरिक एसिड के अंदर 99.5% प्रेजेंट होना ही चाहिए बोरिक एसिड, और अपर लिमिट के अंदर 100.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हुई लिमिट टेस्ट। अब आते हैं इसके प्रिपरेशन पर। बोरिक एसिड को हम तीन तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला तो है हमारा नेचुरल फॉर्म, नेचर से हमें मिल रहा है नेचुरल फॉर्म। दूसरा है हम डीकम्पोजिशन कर सकते हैं, डीकम्पोजिशन हमें डीकम्पोजिशन से मिलता है। डीकम्पोजिशन किसका? बोरिक्स का, ऑफ बोरिक्स से हमें बोरिक एसिड मिलता है। तीसरा कॉलिमनाइट से हमें बोरिक एसिड मिलता है। तो ये तीन प्रिपरेशंस है, नेचुरल फॉर्म, डीकम्पोजिशन ऑफ बोरिक्स और कॉलिमनाइट। अब नेचुरल फॉर्म की कहानी सुन लेते हैं। नेचुरल फॉर्म
मतलब हमें लेबोरेटरी में बनाना नहीं है, नेचुरल फॉर्म मतलब लेबोरेटरी में नहीं बनाना है। इटली में टुस्कानी एक शहर का नाम है, वहाँ पर एक वॉल्केनिक वेंट है। वॉल्केनिक वेंट मतलब आग 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 स्टीम्स निकलती हैं, धुआं निकलता है आग मतलब कि नीचे से जो है अर्थ से गर्म हीट निकलती है। वॉल्केनिक वेंट का मतलब ये हुआ। तो इटली में टुस्कानी शहर में एक वॉल्केनिक वेंट है, वहाँ से जो जेट ऑफ स्टीम निकलती है, जो स्टीम निकलती है वो खुद ब खुद कॉन्सनट्रेट भी हो जाती है और खुद ब खुद कूल भी हो जाती है। जब वो कॉन्सनट्रेट हो जाती है, कूल हो जाती है, तो उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। उस क्रिस्टल के अंदर बोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। बहुत आसान मेथड है, नेचर हमें बोरिक एसिड प्रोवाइड कर रहा है, सबसे सस्ता भी है। पर इसके अंदर क्या होता है, लिमिटेशंस क्या होते हैं कि जो नेचुरल फॉर्म होते हैं वो इम्प्योरिटीज़ उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इम्प्योरिटी प्योर करने में उसका खर्चा लग जाता है, बाद वो बराबर हो जाता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये जो वॉल्केनिक वेंट है वो इटली के अंदर है, इंडिया में नहीं है। तो इटली वाले देंगे नहीं इंडिया को, इसीलिए हमें डिकम्पोजिशन ऑफ बोरेक्स जो है हमारे लिए सबसे बेस्ट मेथड है। डिकम्पोजिशन ऑफ बोरेक्स करो और उससे हम बोरिक एसिड ले लेंगे। तो वॉल्केनिक नेचुरल फॉर्म हो गया। अब आते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ बोरेक्स पर। डिकम्पोजिशन ऑफ बोरेक्स, इसको रब कर लेते हैं। सो हम कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। हमने नेचुरल सोर्स का जो है कहानी पढ़ लिया था, अब हम थोड़ी सी जो इंग्लिश है वो पढ़ लेते हैं। मतलब एग्ज़ाम में जो हम लिखेंगे, बोरिक एसिड इज कम्स आउट विद जेट ऑफ स्ट्रीम कॉल्ड सोफियोनी। वॉल्केनिक वेंट का नाम है सोफियोनी। वॉल्केनिक वेंट सोफियोनी में से जेट ऑफ स्ट्रीम निकलता है, कम्स आउट निकलता है फ्रॉम द ग्राउंड इन सर्टेन पार्ट ऑफ टुस्कानी। कहीं किसी इस शहर में, टुस्कानी शहर में सोफियोनी कहीं कहीं पर है, वॉल्केनिक वेंट्स कहीं कहीं पर है। ग्राउंड से, धरती के नीचे से सर्टेन पार्ट्स, ग्राउंड के नीचे से हमारी हीट निकलती है। द कंडेंस्ड स्टीम इज कॉन्सनट्रेटेड बाई इट्स ओन हीट। जो हीट निकल रही है वो खुद ब खुद कॉन्सनट्रेट हो जाएगी। सपोज डेट कि हमने एक पतीला लिया, उसके ऊपर प्लेट रख दी और गैस ऑन कर दिया, खुद ब खुद जो स्टीम है वो वाटर बन जाती है प्लेट के बेस पर। हम उसे कंडेंस नहीं करवाते, खुद ब खुद वो अपनी हीट से ही कंडेंस हो जाती है। ऐसे ही एग्जांपल लेके यहाँ पर हम चलेंगे। द कंडेंस्ड स्टीम इज कॉन्सनट्रेटेड, खुद ब खुद कॉन्सनट्रेट हो जाएगी बाय इट्स ओन हीट। उसको कूल कर लेंगे, कूल हो जाएगी एंड द क्रिस्टलाइज्ड बोरिक एसिड इज सेपरेटेड आउट। हम उस बोरिक क्रिस्टल को ले लेंगे बोरिक एसिड के। ये तो वो नेचुरल फॉर्म या नेचुरल सोर्स से हम बोरिक एसिड कैसे बनाएं। पर ये तो इटली का है, हमें देंगे नहीं। अब हमें डिकम्पोजिशन ऑफ बोरिक्स ही करना पड़ेगा। सो डिकम्पोजिशन ऑफ बोरिक्स पे आ जाते हैं। सेकेंड प्रिपरेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ बोरिक्स। डिकम्पोजिशन ऑफ बोरिक्स, बोरिक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7। बोरिक्स को सोडियम टेट्राबोरेट के नाम से भी जानते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट के नाम से भी जानते हैं। जब हम सोडियम टेट्राबोरेट को, सोडियम टेट्राबोरेट, एक बीकर में हमने बोरेक्स लिया, बोरेक्स उसके अंदर हमने वाटर डाल दिया और हम उसे हीट कर रहे हैं। नीचे में हमने बर्नर लगा दिया है, उसे हम हीट कर रहे हैं ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रख कर। इसके अंदर हमने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ये हम लेंगे 20%, बोरेक्स हम लेंगे 37%।
बोरेक्स लेंगे 37%, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे हम 20%। मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम, बोरेक्स Na2B4O7 को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं। प्रोडक्ट में हमें पता है कि बोरिक एसिड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बोरिक एसिड तो ज़रूरी मिलेगा, H3BO3। आँख बंद करके ये लिख देना है, बोरिक एसिड मिलेगा ही मिलेगा। साथ में हमें यहाँ पर सोडियम सल्फेट भी मिलेगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट भी मिलेगा। सोडियम सल्फेट कहाँ से आया, Na2 यहाँ का, SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का, दोनों मिलेंगे प्लस गिव राइज टू Na2SO4 और यहाँ पर बोरिक एसिड मिलेगा। अगर हमने यहाँ HCl, यहाँ H2O आएगा, सॉरी H2O वाटर, अगर वाटर का मॉलिक्यूल 5 मोल्स ऑफ वाटर लिए तो यहाँ पर हमें बोरिक एसिड 4 मोल्स ऑफ बोरिक एसिड मिलेगा। अगर 5 मोल्स ऑफ वाटर लिएगे तो 4 मोल्स ऑफ बोरिक एसिड मिलेगा। अब ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। बोरिक एसिड हमें मिल गया डीकम्पोजिशन ऑफ बोरिक से, प्रिपरेशन ख़त्म। सेकंड, अब सेकंड प्रिपरेशन पे चलते हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा। थर्ड प्रिपरेशन है कॉलीमनाइट से हम बोरिक एसिड को प्रिपेयर कर रहे हैं। कॉलीमनाइट का फॉर्मूला होता है Ca2B6O11। इन सब को याद करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए तभी याद हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सो कॉलीमनाइट का ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। कॉलीमनाइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कॉलीमनाइट जो है वो हाइड्रेटेड कैल्शियम बोरेट है, इसका दूसरा नाम। सेकंड पॉइंट, कॉलीमनाइट इम्पॉर्टेंट ओर है ऑफ बोरेट। थर्ड पॉइंट, कॉलीमनाइट का अपीयरेंस वो है ग्लासी अपीयरेंस, जैसे एलम होता है ना, एलम फिटकरी, वैसे उसका ग्लासी अपीयरेंस है। अब 1, 2, 3 फोर्थ पॉइंट है कॉलीमनाइट यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग या फॉर प्रिपेयरिंग हीट रेजिस्टेंट ग्लास। जब हम हीट रेजिस्टेंट ग्लास बनाते हैं तो हम कॉलीमनाइट से बनाते हैं हीट रेजिस्टेंट ग्लास लेबोरेटरीज़ के अंदर काम आता है, क्योंकि जब हमें कुछ भी चीज़ हीट करनी होती है उससे क्या होता है कि जो भी हम ग्लास या कंटेनर ले रहे हैं वो ब्रेक हो जाता है गर्म हीट से, इसीलिए हम ग्लास रेजिस्टेंट ग्लास का यूज़ करते हैं। जब हमें हीटिंग प्रोसेस करना होता है तब हम हीट रेजिस्टेंट ग्लास का यूज़ करते हैं। ये हो गए कुछ पॉइंट्स कॉलीमनाइट के बारे में। कॉलीमनाइट के बारे में ये सब नहीं है, एक्स्ट्रा जानकारी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात, उसकी प्रिपरेशन। जब हम कॉलीमनाइट को सस्पेंड करके रखते हैं, कॉलीमनाइट को Ca2B6O11 कॉलीमनाइट को हम सस्पेंड करके रखते हैं वाटर के अंदर उसको सस्पेंड करके रखते हैं। जब इसके अंदर हम SO2 गैस को, SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड
सल्फर डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तो हमें मिलता है, तो हमें क्या मिलेगा? प्रिपरेशन हम किसकी कर रहे हैं? बोरिक एसिड की, तो हमें बोरिक एसिड मिलेगा H3BO3। साथ में हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी मिलता है। ये हम अभी रिएक्शन में लिखते हैं, तो रिएक्शन हम कर लेते हैं रिएक्शन। ये तो है मेथड समझाने के लिए, रिएक्शन लिख लेते हैं। Ca2B6O11 कॉलियमनाइट प्लस में वाटर प्लस वाटर गिव प्लस में SO2, इट विल गिव H3BO3 बोरिक एसिड प्लस में कैल्शियम, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइट। सल्फेट होगा तो SO4, सल्फाइट है तो SO3। ये हुआ कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइट। इसको कैल्शियम बाईसल्फाइट भी बोलते हैं। बाय हम लगाते हैं हाइड्रोजन के लिए, ऐसे ही हम बाय लगाते हैं जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अंदर, तो बाय होता है हाइड्रोजन के लिए। ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट। इस रिएक्शन को अब दो स्टेप्स में भी होते हैं। यहाँ पर एक बुक के अंदर एक स्टेप दिया हुआ है, दो स्टेप में मैं बताती हूँ। जब हम इसको सस्पेंड करके रखेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर फिर जब हम SO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा प्लस में H3BO3, यहाँ पर बोरिक एसिड भी बन जाएगा इसके साथ में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम SO2 गैस पास कराएंगे, देन इट विल गिव राइज टू कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइट या कैल्शियम बाय सल्फाइट, ये जो रिएक्शन है वो दो स्टेप्स में होती है, पर हमें बुक में एक ही स्टेप में दिया है तो हम एक स्टेप में याद कर लेते हैं। तो ये हो गई प्रिपरेशन कंप्लीट बोरिक एसिड की, तीनों प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। होप्स तो आपको समझ आ भी गया होगा। अब आते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर। इसको आप एक बार पॉज करके लिख लीजिए। सो ये हमारा प्रिपरेशन हो गया, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इसकी डिवाइड कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सबसे पहला टेस्ट ऑर्डर, टेक्सचर, फिजिकल अपीयरेंस। नाउ MP मेल्टिंग पॉइंट, pH 2, 3, 4, 5, 6, 7 pH, एंड pH के बाद सॉल्युबिलिटी, एंड इसकी एक रिएक्शन भी है वो भी पढ़ेंगे।
तो जैसे जैसे याद आएगा वो मैं बता दूँगी। सो फिज़िकल प्रॉपर्टी, बोरिक एसिड का जो टेस्ट होता है, टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होता है। ऑर्डर, ऑर्डरलेस, बोरिक एसिड इज़ ऑर्डरलेस। फिज़िकल अपीयरेंस पहले पढ़ लेते हैं, फिज़िकल अपीयरेंस, बोरिक एसिड जो है, बोरिक एसिड के हम क्रिस्टल्स भी देख सकते हैं, क्रिस्टल्स, ग्रेन्यूल्स भी, वाइट क्रिस्टल्स, वाइट क्रिस्टल्स, ग्रेन्यूल्स भी देख सकते हैं। क्रिस्टल और ग्रेन्यूल को अगर हम ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे, तो हमें पाउडर भी मिल जाएगा, पाउडर भी मिल जाएगा। इसका जो टेक्सचर होता है वो अंकटुअस होता है, अंकटुअस, अंकटुअस, अंकटुअस का मतलब होता है ग्रीसी, 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 ग्रीसी मतलब सोपी टू टच, सोपी, स्लिपरी, स्लिपरी, ये सारी चीज़ें होती है। अंकटुअस का मतलब टेक्सचर इज अंकटुअस, ग्रीसी। अगर हम एग्ज़ाम में अंकटुअस लिखेंगे तो थोड़ा सा वो फॉर्मल टाइप का लगता है, इसीलिए प्रेफर कीजिए कि आप अंकटुअस लिखें ग्रीसी की जगह। ग्रीसी, सोपी, स्लिपरी टेक्सचर जो होता है बोरिक एसिड का, वो भी मैं बताती हूँ क्यों होता है। क्योंकि जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स बोरिक एसिड के, ये एक क्रिस्टल है, ये एक क्रिस्टल है, ठीक है, स्क्वायर में मान लीजिए क्रिस्टल है, ऐसे इसकी कोई स्क्वायर शेप नहीं होती है, अलग सी शेप होती है। तो एक क्रिस्टल और दूसरा क्रिस्टल, एक क्रिस्टल दूसरा क्रिस्टल, ऐसे जो लेयर होते हैं ना क्रिस्टल के, उनके बीच में वीक फोर्स होता है, वीक फोर्स, उनके बीच में वीक फोर्स होता है। वीक फोर्स के कारण वो एक दूसरे पर स्लिप होते रहते हैं, इसीलिए स्लिपरी, सोपी उसका टेक्सचर होता है। ये रीज़न होता है वीक फोर्स के कारण उसका अंकटुअस टेक्सचर होता है। मेल्टिंग पॉइंट 171 होता है बोरिक एसिड का, पीएच 5.1 होता है। क्यों पीएच 5.1 होता है, एसिडिक पीएच है 5.1, बोरिक एसिड, सबसे पहली बात तो ये बोरिक एसिड है, मतलब एसिड है, एसिडिक पीएच तो होना ही चाहिए, तो ये 5.1 है। सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबल है वाटर में, ये सॉल्युबल है अल्कोहल में, ये सॉल्युबल है ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल में, इन तीनों में ये सॉल्युबल है। अगर आपकी बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि सॉल्युबल इन वाटर 1 in 20, 1 in 20, 1 in 20, अल्कोहल में लिखा हुआ है 1 in 6, ग्लिसरॉल में लिखा हुआ है 1 in 4, इनका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट्स में आएंगे, इनका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। 1 in 20 का मतलब हुआ, अगर हम एक ग्राम बोरिक एसिड ले रहे हैं तो वो 20 ग्राम वाटर में सॉल्यूबल है, 20 ग्राम वाटर में सॉल्यूबल है। अगर हम 2 ग्राम बोरिक एसिड लेंगे और 20 ग्राम में डालेंगे तो वो स्पेरेंजली सॉल्यूबल होगा, कम्प्लीटली सॉल्यूबल नहीं होगा। तो ये इसकी क्वांटिटी मेंशन कर रखी होती है कि इतने में वो सॉल्यूबल है। अब ये ग्राम की जगह, ये ग्राम की जगह, ये ग्राम, सपोज डेट कि 1 ग्राम हम बोरिक एसिड ले रहे हैं, 20 ml H2O में वो मिल रहा है, 20 ml H2O के अंदर वो डिज़ोल्व हो रहे हैं। ये जो ग्राम ml है वो हमें मेंशन होगा, वही चीज़ लेते हैं। तो अभी हमें कुछ मेंशन नहीं होता, बस इतना ही मेंशन होता है 1 in 20, 1 in 6, 1 in 4, 1 in 30, 1 in 10, ये सब ऐसी चीज़ें मेंशन होती है। तो इसीलिए अभी हमें इस, अगर हम इसको स्किप भी कर देंगे एग्ज़ाम में तो चलेगा, पर हम सॉल्यूबल इन वाटर लिख दीजिए, सॉल्यूबल इन एल्कोहल, सॉल्यूबल इन ग्लिसरॉल, बस ये पॉइंट्स जो है वो लिख दीजिए, और इनको ब्रैकेट को छोड़ भी सकते हैं। इसका समझ आ गया होगा, जैसे अब एल्कोहल है 1 in 6, मतलब 1 ग्राम बोरिक एसिड 6 ग्राम एल्कोहल में या 6 ml एल्कोहल में डिजॉल्व होगा। ग्लिसरॉल में 1 ग्राम बोरिक एसिड 4 ml ग्लिसरॉल के अंदर कम्प्लीटली डिजॉल्व होगा। इसका मतलब ये होता है, सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है। सॉल्युबिलिटी पर एक और पॉइंट है कि हम बोरिक एसिड को
बोरिक एसिड को H3BO3 को वाटर के अंदर हम अगर हम डिसॉल्व करते हैं करना चाहे, इसके अंदर अगर हम हल्का सा HCl डाल दें या सिट्रिक एसिड डाल दें या हम टार्टरिक एसिड डाल दें, टार्टरिक एसिड, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, बोरिक एसिड की सॉल्युबिलिटी है, वो बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब क्या है कि जल्दी से सॉल्युबल हो जाएगा, चुटकियों में सॉल्युबल हो जाएगा। इसका ये भी एक पॉइंट है। नाउ हम आते हैं अब एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर। ये मैं रब कर देती हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी में एक हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैंने उसमें बताया था कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, जब एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो हमें सॉल्ट देगा प्लस में वाटर देगा, सॉल्ट देगा प्लस में वाटर देगा। सपोज हम अब बोरिक एसिड पे ये अप्लाई करते हैं, तो हमने यहाँ पर बोरिक एसिड ले लिया एसिड की जगह, बोरिक एसिड। यहाँ पर बेस की जगह हम NaOH ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें सॉल्ट मिलेगा, हमें सॉल्ट मिलेगा सोडियम, सोडियम टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड। और सोडियम टेट्राबोरिक एसिड मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये होता है बोरेक्स, बोरेक्स, बोरेक्स मिलेगा। मतलब यानी कि सोडियम टेट्राबोरिक सॉल्ट मिलेगा। क्या फॉर्मूला होगा? Na2B4O7 प्लस में H2O। ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। एंड एक और पॉइंट है, जब हम बोरिक एसिड को हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये हमें देगा मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, यानी कि HBO2, और बोरिक एसिड H3BO3। फिर फर्दर अगर हम 140 डिग्री सेल्सियस पर इसे हीट करते रहेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा टेट्राबोरिक एसिड। बट टेट्राबोरिक एसिड जो है बोरिक एसिड के अंदर बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमें टेट्राबोरिक एसिड भी कम ही मिलेगा। फर्दर अगर हम और हीट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर ट्राइबोरिक एसिड, मतलब ट्राइबोरिक एसिड बी थ्री ओ थ्री करके हमें कंपाउंड मिलेगा। ये सारी की सारी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़। होप सो आपको समझ आ गया होगा, हर चीज़ का मतलब समझ आ गया होगा। ये नोट डाउन कर लीजिए। ये जो है ना ट्राइबोरिक एसिड, वो है बोरोन, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है, ये है बोरोन ट्राइऑक्साइड, बोरोन B2O3 है, बोरोन ट्राइऑक्साइड। एंड दो ऑल्सो प्रॉपर्टीज़ है कि जो बोरिक एसिड है वो स्वीटेस्ट होता है टेस्ट में, स्वीटेस्ट आफ्टर टेस्ट। जैसे कि सिनेमन होता है दालचीनी, जब उसे हम खाते हैं तो लास्ट में हमें मीठा सा स्वाद लगता है, ऐसे ही बोरिक एसिड के साथ भी होता है, स्वीटेस्ट होता है आफ्टर टेस्ट। एंड ये वॉलेटाइल होता है विद वाटर, वॉलेटाइल होता है नेचर में। वॉलेटाइल मतलब जो हमें वाटर के साथ हम जब इसे हीट करते हैं, वाटर के साथ जब हम इसे हीट करते हैं तो बोरिक एसिड उस स्टीम के अंदर भी प्रेजेंट होता है, इसका मतलब उड़ जाता है, वो वॉलेटाइल हो जाता है। हम हीट क्यों करते हैं वाटर और बोरिक एसिड को?
ताकि जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए, जल्दी से सॉल्युबल हो जाए. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरिक एसिड, बोलते हैं बोरिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है. बोरिक एसिड जो है वीक एसिड है एंड इन सॉल्यूशन गिव अ स्लाइटली रेड कलर विद लिटमस पेपर. जब हम लिटमस पेपर को बोरिक एसिड के अंदर डिप करेंगे तो वो हमें रेड कलर देता है. और हमने पढ़ा भी था कि जो एसिड होते हैं वो रेड कलर देते हैं लिटमस पेपर से. सेकेंड है इसका बोरिक एसिड, जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी पढ़ा था कि बोरिक एसिड को जब हम हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो रिमूव होगा, फिर मेटाबोरिक एसिड बनेगा. वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O जो है वो लॉस हो जाएगा. मेटाबोरिक एसिड को फर्दर जब हम हीट करेंगे 140 डिग्री सेल्सियस पे तो हमें टेट्राबोरिक एसिड मिलेगा H2B4O7. फिर टेट्राबोरिक एसिड को हम फर्दर जब हीट करेंगे 160 डिग्री सेल्सियस तक तब हमें पाइरोबोरिक एसिड मिलेगा. पाइरोबोरिक एसिड को फर्दर हम हीट करते जाएंगे तो हमें बोरोन ट्राईऑक्साइड मिलेगा, जो कि एनहाइड्राइड फॉर्म है, कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है इसके अंदर. और इसका जो अपीयरेंस है वो ग्लासी अपीयरिंग सॉलिड की तरह है. थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड पॉइंट है इट चेंजेस टर्मरिक पेपर ब्राउन. टर्मरिक पेपर को जब हम बोरिक एसिड में डिप करेंगे तो ये ब्राउन कलर देगा. फिर उसी टर्मरिक पेपर को जब हम सोडियम हाइड्रोऑक्साइड में NaOH के अंदर डिप करेंगे तो ये हमें ब्लैक कलर देगा. नाउ इसको पॉज करके लिख दीजिए तीन पॉइंट. नाउ अब नेक्स्ट के तीन पॉइंट हम करेंगे. अब आते हैं फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी में, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पूरे बोरिक एसिड के अंदर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. इसके अंदर क्या होता है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अ मिक्सचर ऑफ इथाइल एल्कोहल C2H5OH एंड बोरिक एसिड CH3BO3 जब रिएक्ट करते हैं तो ये ब्लू फ्लेम देते हैं, ग्रीन फ्लेम देते हैं. बर्न्स विद अ ग्रीन फ्लेम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल बोरेट. एक चाइना डिश ली हमने, उसके अंदर हमने इथाइल एल्कोहल डाल दिया और उसके अंदर हम इमिडिएटली हम बोरिक एसिड डालेंगे और जैसे ही हम डालेंगे वहाँ पर ग्रीन फ्लेम आ जाएगी. इतना हाईली रिएक्टिव होता है, तुरंत से आ जाता है ये फ्लेम, तुरंत से आ जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इथाइल बोरेट. फिफ्थ पॉइंट है बोरिक एसिड को जब हम ग्लिसरीन के साथ रिएक्ट करेंगे 140 और 150 डिग्री सेल्सियस पर तो ये हमें मिलेगा बोरोग्लिसरीन ग्लिसरेट, जो कि जिसका फॉर्मूला होता है C3H5BO3 और ये सपोजिट्री बेस के अंदर यूज़ होता है बोरोग्लिसरीन ग्लिसराइड. सपोजिट्री बेस दो प्रकार के होते हैं, एक लिपोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं. लिपोफिलिक मतलब हार्ड फैट एंड हाइड्रोफिलिक जैसे कि जिलेटिन हो गया. सपोजिटरी बेस जो है सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर आता है, जो कि हम फार्मास्यूटिक्स में पढ़ेंगे. एंड इसको डायरेक्टली जो है रेक्टम एनस के अंदर इंसर्ट करते हैं, इसको ओरली नहीं लेते. सपोजिटरी बेस आर इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू एनस एंड रेक्टम. ये हो गए दो पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोरिक एसिड में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोरिक एसिड के अंदर, पूरा बोरिक एसिड के अंदर. सो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर ली पांच. लास्ट की टू प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर भी हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और एसे में भी वही प्रॉपर्टीज़ है. इसका मतलब हमें इजीली याद भी हो जाएगा तीन बार पढ़ने से और साथ में ये इम्पॉर्टेंट भी है तो पढ़ना तो ज़रूरी है. नाउ टेस्ट फॉर प्योरिटी पढ़ते हैं. टेस्ट फॉर प्योरिटी के अंदर हम जांचते हैं कि उसकी इम्प्योरिटीज़ के बारे में. टेस्ट फॉर प्योरिटी मतलब इम्प्योरिटी को पहचानना है कि उसके अंदर क्या क्या इम्प्योरिटी हो सकती है. कॉमन इम्प्योरिटीज़ है आर्सेनिक, लेड, हैवी मेटल, सल्फेट, एल्कोहल सॉल्युबल सब्सटेंसेस, एसिडिटी, क्लैरिटी एंड कलर. ये तीन जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये सॉरी इम्प्योरिटीज़ आर्सेनिक, लेड और हैवी मेटल, ये तो आप देखोगे हर मोनोग्राफ में होगी ही होगी. देन उसके बाद हम सल्फेट की भी इम्प्योरिटी का चेकअप करते हैं. एल्कोहल सॉल्युबल सब्सटेंसेस, एल्कोहल इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, एसिडिटी चेक करते हैं कि 5.1 से कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गई एसिडिटी बोरिक एसिड एक्वा सॉल्यूशन की. देन क्लैरिटी और कलर, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी है कि हमें दिखने में सॉल्यूशन जो है क्लियर दिख रहा है
या जो कलर आना है वो आ रहा है कि नहीं। देन आते हैं उसके बाद टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन पे। टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन के दो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जो पहले हमने पढ़ा था वही है ग्रीन फ्लेम वाला। इस बोरिक एसिड को हम 0.1 ग्राम लेंगे। इस डिजॉल्व इन मीथेनॉल, हमने ऊपर में पढ़ा था कि इथेनॉल डालते हैं पर यहाँ पर मीथेनॉल ले रहे हैं, कोई भी हम अल्कोहल ले सकते हैं। 5 ml बोरिक एसिड को 5 ml मीथेनॉल को अंदर डिजॉल्व करेंगे बाय हीटिंग टू विच अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 2 ड्रॉप्स इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। एडेड ऑन इग्निशन, जब हम उसे बर्न करेंगे, द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन फ्लेम देगा। द फ्लेम हैज अ ग्रीन कलर, जो फ्लेम होगा उसका ग्रीन कलर होगा। ये हमने यहाँ पर थ्योरी पढ़ी, पर आप एक बार ज़रूर गूगल से या यूट्यूब से देखिएगा इस रिएक्शन को डालकर, तो वो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपको अच्छे से वो दिमाग में सेटल हो जाएगा जब आप फिगर में देखोगे। तो सेकेंड पॉइंट है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड। इसका बोरिक एसिड का भी जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है 5.1। अगर हम बोरिक एसिड को एक्वस ना ले, बोरिक एसिड का सिर्फ पीएच ले, तो इससे कम भी हो सकता है, मतलब 3.4 के करीब भी हो सकता है। 3.4 का मतलब ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि हमने पीएच जो पीएच लाइन थी वो हमने पढ़ रखी है। नाउ नेक्स्ट इज इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबल है बोरिक एसिड एल्कली कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी हम एल्कली कार्बोनेट को और हाइड्रोक्साइड को कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे बोरिक एसिड के साथ, क्योंकि वो कंपैटिबल ही नहीं है, इनकम्पैटिबल है। कभी क्या पता एक्सपल्जन सा हो जाए, कुछ गलत रिएक्शन हो जाए, ऐसे इनकम्पैटिबल का मतलब ये होता है। नाउ इसके बाद हम ऐसे पढ़ेंगे, तो ये आप नोटेड डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब हमने प्योरिटी भी कर ली, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी कर लिया और इनकम्पैटिबिलिटी भी कर ली। अब आई एसे की बारी। तो एसे ऑफ बोरिक एसिड इज परफॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन टाइप ऑफ एनालिसिस। न्यूट्रलाइजेशन टाइप ऑफ एनालिसिस से हम बोरिक एसिड का एसे परफॉर्म करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन टाइप ऑफ एनालिसिस का मतलब हुआ एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होना। एसिड क्या करेगा, बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, या बेस जो है वो एसिड को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसीलिए इसको बोला है न्यूट्रलाइजेशन टाइप ऑफ एनालिसिस। इसके अंदर 2 टाइप के होते हैं, एसिडी मेट्रिक और बेसिक मेट्रिक, ये 2 टाइप के होते हैं। ये नाउस की थ्योरी पे आते हैं। बोरिक एसिड इज़ अ वेरी वीक एसिड, बहुत वीक एसिड है। वीक एसिड का मतलब प्रोटोन नहीं देगा, H प्लस आयंस को डिसोसिएट नहीं कर पाएगा। एंड इसी कारण जो डायरेक्ट टाइट्रेशन है विद NaOH, NaOH इज एल्कली, हमने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस एल्कली जिसको बोलते हैं, उनके बीच में रिएक्शन होता है, उनके बीच में एसे परफॉर्म होता है। तो बोरिक एसिड एसे हो गया एसिड। द बोरिक एसिड इज वेरी वीक एसिड एंड डायरेक्ट टाइट्रेशन विद NaOH इज नॉट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। वीक एसिड है, अपने आयन से ही नहीं देगा, रिएक्ट ही नहीं हो पाएगा, जो कि पहले की क्लास में भी हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा भी है अंग्रेजी में, बोरिक एसिड इज़ वेरी वीक एसिड बिकॉज इट डज नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली इंटू एच प्लस आयन्स, और हम लिख सकते हैं इट डज नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली टू गिव एच प्लस आयन्स, बट इट कैन फॉर्म मेटाबोरेट बाई एक्सेप्टिंग OH प्लस नेगेटिव आयन्स। ये तो और महान बात हो गई कि मेटाबोरेट आयन बना लेगा OH नेगेटिव को एक्सेप्ट करके, प्रोटोन नहीं देगा पर ज़रूर एक्सेप्ट ज़रूर कर लेगा, जो कि हमें चाहिए नहीं। अब हम करते क्या है नाउ, बट इट कैन बी टाइट्रेटेड एक्यूरेटली, बट इट कैन बी टाइट्रेटेड एक्यूरेटली, हम टाइट्रेशन कर सकते हैं विद अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एल्कली। NaOH यूज़ करके हम टाइट्रेशन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब होता है जो हम ब्यूरेट के अंदर लेते हैं, और जो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लेते हैं उसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं, और जो ब्यूरेट के अंदर लेते हैं उसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। नाउ बट इट कैन बी टाइट्रेटेड एक्यूरेटली विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एल्कली NaOH। कैसे भाई,
इफ ग्लिसरॉल जिसको ग्लिसरीन भी बोलते हैं, अगर हम पहले ऐड कर दें इस फर्स्ट एडेड टू द बोरिक एसिड इस कॉनिकल फ्लास्क में, बोरिक एसिड के साथ साथ अगर हम ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नाम है, अगर डाल दें तो ये टाइट्रेशन संभव है। अब ये टाइट्रेशन कैसे संभव है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या ग्लिसरॉल क्या ऐसा कर देता है कि बोरिक एसिड को वो टाइट्रेशन करने के लिए तैयार कर देता है। नाउ द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरीन causes the boric acid to behave as a strong monoclinic acid. Glycerine boric acid को strong acid में बदल देगा. Monoprotic का मतलब है strong तो बन गया पर वो एक hydrogen देगा, पर वो एक hydrogen ही देगा, एक ही proton देगा. Mono मतलब one, protic मतलब proton. एक प्रोटॉन देगा, एक H+ आयन देगा. फिर उसके बाद क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बन गया, विच देन एबल टू डोनेट H+ आयन, तब वो H+ आयन काबिल हो जाएगा डोनेट के, एंड देन कैन बी टाइट्रेटेड विद NaOH एल्कली बाय यूजिंग फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर. हम फिनोप्थलीन यूज़ करेंगे एज एन इंडिकेटर. इंडिकेटर क्या देता है, कलर देता है, इससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई है, ये हमें इंडिकेटर का फंक्शन. जनरली क्या होता है कि जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो हम रिएक्शन में सबसे लास्ट में डालते हैं, बट इसके अंदर हम शुरू में ही इंडिकेटर डाल देंगे. जैसे कि हमने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर बोरिक एसिड लिया, साथ में हमने ग्लिसरॉल डाला और साथ ही में हम फिनोप्थलीन डाल देंगे. फिनोप्थलीन क्यों डालेंगे, ये फोर्थ पॉइंट है. ग्लिसरॉल शुड बी प्रीवियसली न्यूट्रलाइज विद फिनोप्थलीन. ग्लिसरॉल और फिनोप्थलीन को पहले ही हम मिक्स करके रखेंगे क्योंकि एज इट कंटेन्स सम एसिडिक इम्प्योरिटी. क्या पता ग्लिसरॉल के अंदर कुछ एसिडिक इम्प्योरिटीज़ हो, जैसे कि ग्लिसरिक एसिड एसिडिक इम्प्योरिटी है, ग्लिसरिक एसिड है एसिड है एसिडिक इम्प्योरिटी हमने पढ़ा, विच मे इंटरफियर विद द एसे. एसे के अंदर रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाएगा अगर ग्लिसरॉल के अंदर कुछ ग्लिसरिक एसिड प्रेजेंट होगा तो फिनोप्थलीन क्या होगा, बैलेंस करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा. इसीलिए हम इस कंडीशन में जो इंडिकेटर है हम उसे पहले डाल. चलिए हमने थ्योरी जो है वो कवर कर लिया, अब आती है प्रोसीजर की बारी कि प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे हम ऐसे लेबोरेटरी के अंदर करेंगे. तो इसके लिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट जो है वो चाहिए. जैसे बोरिक एसिड चाहिए हमें 2 ग्राम, वाटर चाहिए हमें 50 ml, ग्लिसरीन चाहिए 100 ml, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हम ब्यूरेट में लेंगे वो चाहिए NaOH 1N 1 नॉर्मल. सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं अपना कॉनिकल फ्लास्क. ये लीजिए, ले लीजिए कॉनिकल फ्लास्क. यहाँ पर हमारा है ब्यूरेट स्टैंड, कॉनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट स्टैंड, येरा ब्यूरेट स्टैंड. यहाँ पर एक वाइट टाइल रख दीजिए इसके ऊपर, वाइट टाइल, ताकि कलर जो है वो ईजिली अच्छे से पता चल जाए. वाइट टाइल ताकि कलर ईजिली पता चल सके. प्रेसिपिटेट अगर कोई बन रहा है तो हमें दिख सके. एंड दिस वन इज ब्यूरेट, ये मान लीजिए ये है ब्यूरेट. ब्यूरेट कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम क्या करेंगे, 2 ग्राम बोरिक एसिड को 50 ml वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे. क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, 2 ग्राम बोरिक एसिड को डिजॉल्व करेंगे 50 ml वाटर के अंदर, 50 ml H2O और ये H3BO3, ये हम अलग से डिजॉल्व कर लेंगे. देन उसके बाद या तो कम्प्लीटली डिजॉल्व करना है, ऐसे नहीं हो रहा तो हम हीट भी कर देंगे थोड़ा सा वाटर बाद से, तो कम्प्लीटली डिजॉल्व होना चाहिए. देन इसे इसके अंदर पोर कर देंगे. इसके अंदर पोर करने के बाद हम इसमें 100 ml ग्लिसरीन भी ऐड कर देंगे, ग्लिसरीन, और इसके अंदर है
टू प्लस 51 ml ऑफ बोरिक एसिड सॉल्यूशन, 52 क्योंकि 2 ग्राम है ना ये. सो हमारा ये सॉल्यूशन और इसके ऊपर से हम 100 ml ग्लिसरीन पोर कर देंगे. अब ऊपर में इसके लेंगे हम ब्यूरेट. ब्यूरेट लिया हमने, ब्यूरेट जिसकी ऐसी चोंच होती है. ये लिया हमने ब्यूरेट. ब्यूरेट यहाँ पर इसका नॉब होता है ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए. अब इसके बाद इसके अंदर हम NaOH लेंगे. NaOH वन नॉर्मल NaOH, वन नॉर्मलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लेंगे एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन दी ब्यूरेट. नाउ अब हम इसके अंदर फिनोप्थलीन भी डाल देंगे. फिनोप्थलीन जितना हमें ml चाहिए उतना ही, 1 से 2 ml में काफ़ी होता है. फिनोप्थलीन हम डाल देंगे इसके अंदर. नाउ ये जो कलर होगा इसका कलर है अभी, वाइट नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे कलरलेस. इसका कलर है अभी कलरलेस, कलर है इसका कलरलेस. अब क्या करेंगे, बूंद बूंद ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करेंगे, NaOH ऊपर से इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डालेंगे नॉब को थोड़ा सा खोल के. एकदम अचानक से नहीं डालना है, हमेशा टाइट्रेशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप हम NaOH डालेंगे इस कॉनिकल फ्लास्क में. और नीचे में ये ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, एक हाथ यहाँ पर हमारा नॉब पे होगा, दूसरा इसको रोटेट करेंगे, साथ में इसको रोटेट करते जाएंगे कॉनिकल फ्लास्क को, क्योंकि जो कलर है वो डिसअपियर भी होने लगता है. बट थोड़ी देर के बाद, मतलब कि 5-10 मिनट कम से कम 5 मिनट, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका कलर जो है वो परमानेंट पिंक कलर हो जाएगा. परमानेंट पिंक कलर हो जाएगा. इसका मतलब हमारी टाइट्रेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है. फिर हमें इसे थ्रो आउट कर देंगे वॉश मेशन में, एंड देन फिर से हम वही 2 ग्राम बोरिक एसिड लेंगे, 50 ml के अंदर डिसॉल्व करेंगे, देन इसके अंदर 100 ml ग्लिसरीन डालेंगे, फिर फिनोप्थलीन डालेंगे. ये 3 बार प्रोसीजर मिनिमम हमें करना होता है ताकि हम कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग ले सके. अब रीडिंग कैसे लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके हम लेते हैं. और रीडिंग जो होती है वो ब्यूरेट की होती है कि कितना हमने 0 से यदि स्टार्ट करा है, उसके बाद हमारा जो है इनिशियल आ जाएगा 0 पर, और फाइनल कितना अभी कितना फाइनल रीडिंग आ चुकी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे और इनिशियल यहाँ पर. तो ऐसे करते हैं हम परफॉर्म ऐसे को. अब ये पिंक कलर क्यों आया ये भी हम पढ़ेंगे अभी. सो इसे रब कर लेते हैं, होप्स आपको ये समझ आ गया होगा. इसे अब रब कर लेते हैं. एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि फिनोप्थलीन का कलर जो होता है, फिनोप्थलीन कलर जो होता है एसिडिक में और बेस में. एसिड के अंदर फिनोप्थलीन का कलर होता है कलरलेस, कोई कलर नहीं, और बेस के अंदर फिनोप्थलीन का कलर पिंक हो जाता है. तो अब इस टाइट्रेशन में हुआ क्या है ये समझते हैं. अब टाइट्रेशन में हमने बोरिक एसिड लिया प्लस में जो इसके साथ में हमने लिया वाटर, प्लस में ग्लिसरीन, ये सारे हमने इंग्रेडिएंट ले, प्लस में फिनोप्थलीन डाला. सबसे पहले क्या हुआ कि बोरिक एसिड और ग्लिसरीन आपस में रिएक्ट करे और बना बोरोग्लिसरिक एसिड बना.
नाउ बोरोग्लिसरिक एसिड रिएक्ट करेगा जो हम ऊपर से NaOH डाल रहे हैं, ब्यूरेट से जो हम NaOH डाल रहे हैं उसके साथ ये रिएक्ट करेगा। जब ये बोरोग्लिसरिक एसिड ख़त्म हो जाएगा कॉनिकल फ्लास्क से, जब सारे के सारे कंपाउंड बन जाएंगे, NaOH और बोरोग्लिसरिक एसिड कंपाउंड्स बना लेगा, तब ये NaOH फिनोप्थलीन के साथ रिएक्ट करेगा और हमें पिंक कलर देगा, क्योंकि एसिड तो ख़त्म हो चुका है, एसिड पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, सब रिएक्ट हो चुका है एसिड, अब बचा फिनोप्थलीन, और फिनोप्थलीन बचा कॉनिकल फ्लास्क में और NaOH बचा हमारा ऊपर से जो हम ब्यूरेट में डाल रहे हैं। तो NaOH फिनोप्थलीन के साथ रिएक्ट करेगा, फिनोप्थलीन जो है वो बेस में पिंक कलर देता है, तो NaOH तो बेस है इसीलिए वो पिंक कलर देगा, और यही पिंक कलर हमें बताता है कि आपकी टाइट्रेशन हो चुकी है। ये होप्सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसके रिएक्शन को स्टडी कर लेते हैं। अब हम रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन होगा ग्लिसरीन प्लस बोरिक एसिड गिव राइज टू ग्लिसरोबोरिक एसिड हमें जो है वो मिलेगा, ग्लिसरोबोरिक एसिड मिलेगा। अब हम ग्लिसरीन और ग्लिसरीन दो मॉलिक्यूल लेंगे हम, ग्लिसरीन के टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरीन। एक और चीज़, हम ग्लिसरीन की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कि मैनिटॉल, ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी, इसकी जगह हम ये सभी ले सकते हैं। ना हम ग्लिसरीन का जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं, ग्लिसरीन स्ट्रक्चर होता है CH2OH, और ये हमें लेना है दो मॉलिक्यूल्स, प्लस में बोरिक एसिड क्या होता है H3BO3। जब ये रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा ग्लिसरोबोरिक एसिड हमें मिलेगा। नाउ इनका रिएक्शन जब हम करेंगे तो हमें टेट्राबोरेट भी मिलेगा या टेट्राबोरिक एसिड मिलेगा। अब इसका हम और इन दोनों के बीच में जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी होगा, तो बनाते चलिए CH2OH यहाँ पर भी बना देते हैं CH2OH यहाँ पर C से बॉन्ड बन रहा है, CHOH और OH के बीच में बॉन्ड बन रहा है और CH2OH, और यहाँ पर बीच में हम बोरोन डाल देंगे। बोरोन का जो H होगा ना, बोरोन का स्ट्रक्चर होता है बी ऐसे OH, ये हमारा बोरोन का स्ट्रक्चर होता है। बोरोन के स्ट्रक्चर में तीनों कंपाउंड हट जाएंगे इसके साथ से, ये तीनों हाइड्रोनियम आयन वाटर प्लस हाइड्रोनियम आयन और वाटर बना लेंगे, ये तीनों कंपाउंड हटके हाइड्रोनियम आयन और वाटर बना लेंगे, इसको कंप्लीट करते हैं, इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। अब होगा क्या, ये वाले एच भी हटेंगे, ये चारों एच यहाँ से हट जाएंगे और बोरोन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन बोरोन के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हमारा बन गया। इसी को कहते हैं ग्लिसरोबोरिक एसिड जो है वो बोरिक एसिड से थाउजेंड्स टाइम इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब आयन्स में टूटना, H प्लस में टूटना, वो थाउजेंड टाइम ग्रेटर देन है बोरोन से, बोरिक एसिड से। ग्लिसरोबोरिक एसिड थाउजेंड टाइम इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट ग्रेटर है बोरिक एसिड से, मतलब ये बहुत जल्दी H प्लस आयन प्रोटोन्स डोनेट कर सकता है, क्योंकि ये अब हमारा हो चुका है एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड हो चुका है, और ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड हमने ब्रॉन्सर-लॉरी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि एसिड वो जो प्रोटोन
डोनेट करें, तो ये 1000 टाइम मोर प्रोटॉन डोनेट कर सकता है ग्लिसरोबोरिक एसिड। नाउ एक आता है इक्विवेलेंट कांस्टेंट, ये है इक्विवेलेंट कांस्टेंट। लास्ट में हर ऐसे की ये ऐसे लिखा होगा कि ईच एम एल ऑफ वन एन वन नॉर्मल इज इक्वल्स टू डैश ऑफ, जिसका हम ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं वो, या ऐसे लिखा होगा कि ईच एम एल ऑफ 0.1 नॉर्मल, 0.1 भी हो सकता है और 1N भी हो सकता है, इज इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डैट कंपाउंड, जिसका हम ऐसे कर रहे हैं जो हमने केमिकल कंपाउंड लिया है। इसको कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ा था शुरुआत में कि जो बोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 61.83। जब हमें 1N नॉर्मल के लिए निकालना है ना, 1N नॉर्मल के लिए इक्विवेलेंट वेट, तो 61.83 को 1000 से डिवाइड कर दो और ये आ जाएगा हमारा 0. क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि पॉइंट जो है आगे बढ़ता जाता है, तो ये पॉइंट जो है आगे बढ़ेगा 3, तो यहाँ पर हमें एक ज़ीरो लगाना ही पड़ेगा, 1, 2, 3, तो बन गया 0.06183, ये हमारा बन गया इक्विवेलेंट वेट। अगर यहाँ पर लिखा है ईच एम एल ऑफ 0.1N, अगर 0.1N लिखा होता तो हम इसे 10,000 से डिवाइड करते, 0.1N अगर हमें लिखा होता तो 61.83 को 10,000 से डिवाइड करते, देन हमारा दो ज़ीरो आगे आ जाता, 0.006183, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, 4 ज़ीरो, तो 1, 2, 3, 4, 4 पॉइंट आगे, इसीलिए हम ऐसे इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। इतना याद कर लो, आसान रहेगा, ये तभी निकलेगा जब हमें मॉलिक्यूलर वेट पता होगा। ये हमारा एसे जो है वो कंप्लीट हो चुका है, एंड पॉइंट हमें पता चल चुका है कि पिंक कलर आएगा, ऐसे हो गया। फिर इसके बाद प्रोसीजर हमने पढ़ दिया, रिएक्शन हमने पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब इसका बोरिक एसिड का यूज़ रह रहा है, तो यूज़ हम अब करेंगे। सो अब ऐसे भी ख़त्म हो गया फाइनली, अब आ गया है यूजेस पर। यूजेस ये 6 पॉइंट्स हैं, इनमें से आप कोई भी याद कर सकते हैं, 6 के 6 भी याद कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज यूज एज एंटी माइक्रोबियल एंड आई ड्रॉप। एंटी माइक्रोबियल मतलब आई ड्रॉप के अंदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह काम आता है, मतलब आई ड्रॉप के अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, आई ड्रॉप के अंदर माइक्रोब को जन्मने नहीं देता है। सेकेंड इज यूज इन स्किन लोशंस फॉर लोकल इन्फेक्टिव एक्शन, एंटीसेप्टिक एक्शन है। यूज इन स्किन लोशन, स्किन लोशंस में यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, फॉर लोकल इन्फेक्टिव एक्शन। कहीं पर स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन हो गया तो हम लोशंस यूज़ करते हैं, स्किन लोशंस यूज़ करते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसके अंदर बोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, वो एंटीसेप्टिक एक्शन देता है उसके अंदर, लोशन के अंदर बोरिक एसिड का काम होता है एंटीसेप्टिक एक्शन देना, मतलब रोगाणु मुक्त, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ना पनप पाए, इन्फेक्शन ना हो पाए, माइक्रोब्स का प्रोडक्शन ना हो पाए, वो एंटीसेप्टिक एक्शन देता है। थर्ड पॉइंट है यूज इज डाउचेस फॉर इरीगेटिंग द ब्लैडर एंड वजाइना। डाउचेस का मतलब होता है वॉशिंग, इरीगेशन। डाउचेस क्या करते हैं कि बोरिक एसिड को मिलाते हैं वाटर के अंदर और स्प्रे करते हैं ब्लैडर के अंदर और वजाइना के अंदर, ताकि जितनी भी गंदगी है उनको क्लीन करने के लिए। यूज इज डाउचेस फॉर वॉशिंग फॉर इरीगेटिंग द ब्लैडर एंड वजाइना। और ये जो होते हैं ना डाउचेस, वो स्प्रे की फॉर्म में, जैसे कि बाइक धोने के लिए होता है ना पाइप, ऐसे देते हैं ताकि जो प्रेशर से जो गंदगी है वो बाहर निकले। फोर्थ पॉइंट है यूज इन ऑइंटमेंट या डस्टिंग पाउडर ड्यू टू इट्स स्मूथ एंड अंक्टुअस टच। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि बोरिक एसिड जो होता है अंक्टुअस होता है टच में, अंक्टुअस का मतलब स्लिपरी, सोपी, स्मूथ एकदम। तो जब ये बोरिक एसिड को हम ऑइंटमेंट का मतलब जब बर्निंग में यूज़ करते हैं ऑइंटमेंट, जब छाले पड़ जाते हैं या जल जाता है तब हम ऑइंटमेंट का यूज़ करते हैं। ऑइंटमेंट जो है
थोड़ा सा गाढ़ा होता है किसी भी क्रीम से, और ये ऑयल वाटर इन ऑयल इमल्शन होता है, मतलब कि ऑयल के अंदर हम वाटर डाल दें थोड़ा सा, तो ज़्यादा क्वांटिटी किसकी हुई, ऑयल की, इसीलिए वो गाढ़ा थिक होता है, एकदम वैक्सी होता है। ऑइंटमेंट डस्टिंग पाउडर्स में डालते ताकि जब हम इन्हें यूज़ करें तो हम एकदम स्मूथ मुलायम सा हमें स्पर्श दें। फिफ्थ पॉइंट है ग्लिसरोबोरिक एसिड, जो कि हमने अभी पढ़ा था। ग्लिसरोबोरिक एसिड कब बनता है, जब ग्लिसरीन प्लस बोरिक एसिड मिलता है तब ग्लिसरोबोरिक एसिड कंपाउंड बनता है, जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। और ये जो कंपाउंड होते हैं ना वो एस्टेरिफिकेशन से बनते हैं। एस्टर का मतलब क्या होता है, एस्टर मतलब एसिड प्लस एसिड के जब रिएक्शन कराते हैं हम एल्कोहल से तो वो एस्टर देता है, इसे एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। तो ये जो ग्लिसरोबोरिक एसिड है वो एस्टेरिफिकेशन से बनता है, क्योंकि बोरिक एसिड यूज़ करते हैं और एल्कोहल की जगह हम ग्लिसरीन यूज़ करते हैं या ग्लिसरॉल यूज़ करते हैं। तो ग्लिसरोबोरिक एसिड, इसको हम बोरोग्लिसरीन ग्लिसराइड या ग्लिसराइड बोरेट, तीनों में से कोई भी नाम यूज़ कर लो जो आपको ईजी लगे। ये यूज़ होता है, यूज़ अ सपोजिटरी बेस, इसका पहले भी हमने यूज़ पढ़ा था। सपोजिटरी बेस का मतलब जो रेक्टम के अंदर इंसर्ट करते हैं, जो एनस के अंदर इंसर्ट करते हैं, ताकि ये जो होता है सपोजिटरी बेस वो कॉन्स्टिपेशन, जब कॉन्स्टिपेशन होता है तब हम यूज़ करते हैं, ताकि जो फीसेस है वो स्मूथ हो और ईजिली जो है वो निकल सके। सिक्स पॉइंट है इसका एग्जांपल जैसे इनीमिया। सिक्स पॉइंट है यूज टू किल कॉकरोचेस ब्लैक कार्पेट बीटल्स। ये सिक्स पॉइंट जो है वो हाउस होल्ड यूज़ है, इसीलिए सबसे नीचे लिखे जितने भी यूजेस होते हैं, थेरापूटिक यूज़ नहीं, फार्माकोलॉजिकल यूजेस जितने भी होते हैं वो एग्ज़ाम में सबसे पहले लिखे, उसके बाद जितने भी कमर्शियल यूजेस होते हैं, हाउस होल्ड यूजेस होते हैं, वो लिखना है तो लिख दीजिए। यूज टू किल कॉकरोचेज एंड ब्लैक कार्पेट बीटल, इंसेक्टीसाइड की तरह भी यूज़ होता है बोरिक एसिड। अगर आपके घर में कॉकरोचेज है तो आटे में बोरिक एसिड का पाउडर बाज़ार में आता है उसको खरीदिए, आटे के अंदर गूंद दीजिए, उसको गोलियां बना के जहाँ जहाँ पर कॉकरोचेज है, जैसे कि फ्रिज की पाइप्स में आ जाते हैं, सिलेंडर के नीचे, गैस के नीचे, जितने भी डार्क प्लेसेस होते हैं वहाँ पर ये आके छुप जाते हैं और इन्फेक्शन फैला सकते हैं, इसीलिए इनको मारने के लिए हम बोरिक एसिड का यूज़ करते हैं इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे हो गए 6 यूजेस, बोरिक एसिड का मोनोग्राफ कम्प्लीट हुआ। थैंक यू, आपको समझ आया होगा, होप सो, ऑल दी बेस्ट।